नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज में और मैं हूं आपके साथ पूजा। हल्द्वानी पहुंचे यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रभारी कृष्णा अरावलु का पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने जोरदार स्वागत किया। यहां उन्होंने आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर युवाओं में जोश भरा। उन्होंने कहा कि यूथ कांग्रेस उत्तराखंड के मुद्दों को लेकर जनता की आवाज उठाएगी और जल्द ही यूथ कांग्रेस महंगाई, बेरोजगारी और रेरा को लेकर बड़ा आंदोलन करने जा रही है। साथ ही इस बार लोकसभा चुनाव में युवाओं द्वारा अहम भागीदारी बताते हुए एकजुट होकर भाजपा को कड़ी शिकस्त देने की बात कही। वहीं आप भी सुनिए कि इस मौके पर किसने क्या कहा। पहले बात, युवाओं को काम है कि जो मुद्दे हैं आज जनता के उत्तराखंड के, चाहे वो महंगाई हो, चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे यहाँ अतिक्रमण का मामला जो चल रहा है, ये रीला का जो मामला है, ये सारे मुद्दों के खिलाफ जनता के हक और जनता की आवाज़ उठाना युवाओं का काम है। साथ में आने वाले लोकसभा के कैसे तैयारी करेंगे उस पर भी चर्चा होगी। तो मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार उत्तराखंड की युवा कांग्रेस और हल्द्वानी की युवा कांग्रेस उत्तराखंड में अच्छे परिणाम लाने में बहुत योगदान देगी। इसकी प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक आहूत की गई है जो वर्तमान में यहाँ पर हल्द्वानी कुसुमगढ़ा में चल रही है। हम सब लोग चर्चा कर रहे हैं कि कैसे हमने पार्टी को बूथों में मजबूत करने का काम करना है, कैसे जो भारतीय जनता पार्टी युवाओं को ठगने का काम कर रही है, कैसे डबल इंजन ने हमारे साथियों पर लाठियां भाजने का काम किया, कैसे हमारी प्रदेश में महिला सुरक्षा ताक पर है, कैसे पूरी तरीके से जो हमारे उत्तराखंड का विकास है, वो जो राह है विकास की, वो हम भटक चुके हैं। तो कैसे इन चीज़ों पर हम बात कर सकते हैं, कैसे हम अपने प्रदेश को सही दिशा में ला सकते हैं, कैसे हम एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभा सकते हैं और कैसे हम झूठ बोलने वाले लोगों को सत्ता से बाहर आगामी समय में करने का काम करेंगे, उन तमाम विषयों को लेकर रणनीति बनाने के लिए आज ये बैठक का होगी। पर हमारे राष्ट्रीय स्तर के नेता माननीय कृष्णा अरावलु जी यहाँ पर पहुंचे हैं, जो हमारे युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रभारी हैं और युवा कांग्रेस का पूरे प्रदेश भर का कार्यकर्ता आज यहाँ पर आया हुआ है। युवा कांग्रेस 2024 में किस प्रकार से उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार लानी है, किस प्रकार से कांग्रेस के एमपी 2024 में जिताने हैं, उसको लेकर यहाँ पर विचार विमर्श किया जाएगा। और जो एक कांग्रेस युवा कांग्रेस का बूथ जोड़ो यूथ जोड़ो एक कैंपेन चला, उस पर किस प्रकार से काम करना है, उस पर किस प्रकार से आगे बढ़ना है, ये इस विषय में यहाँ पर आज हमारे युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग भी दी जाती है। आपका नाम? मेरा नाम विशाल भोजक है। ये थी हमारे संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जेजेएन न्यूज के साथ। धन्यवाद।